हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम टी एक्सप्लेन। पठान मूवी तो अब तक आप लोगों ने देख ही ली होगी। इस मूवी से रिलेटेड कई सारे हिडन डिटेल जो आपने मिस कर दिए हैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस मूवी में हमें कबीर का कैरेक्टर देखने को मिला और कबीर और पठान के बीच क्या कनेक्शन है इसको भी डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप SRK के सच्चे फैन हैं, वीडियो में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन यानी कबीर देखने को नहीं मिले, लेकिन कर्नल लूथरा ने उनका कई बार जिक्र किया और कर्नल लूथरा ने उनका एक ऐसा गहरा राज बताया जिसको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखना। इस मूवी में हमें दिखाया गया कि जिम यानी जॉन अब्राहम एक रॉ एजेंट था और अब उसने एक आउटफिट एक्स नाम का टेररिस्ट ग्रुप बनाया है जिसमें अलग अलग देशों से उसने एजेंट हायर किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। जिम ने रॉ छोड़कर ये रास्ता क्यों चुना, क्योंकि जिम उसकी पत्नी उसके बच्चे को एक टेररिस्ट ग्रुप पकड़ लेता है, उसके बाद वो नेगोशिएट करता है इंडिया से, जिसमें कर्नल लूथरा से वो मांग करता है 10 करोड़ रुपये की। कर्नल लूथरा इन पैसों को देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद टेररिस्ट जिम उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मार देते हैं, जहां पर किसी तरह जिम तो बच के निकल जाता है लेकिन उसकी पत्नी और उसका बच्चा मर जाता है, जिसके बाद वो रॉ छोड़कर एक टेररिस्ट बन जाता है। पाकिस्तान को पता लगता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान घबरा जाता है और जिम को कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडिया पर अटैक करने के लिए। और जिम इंडिया पर अटैक करने के लिए रक्तबीज चोरी करवाता है रसिया से, जिससे वो स्मॉल पॉक्स का म्यूटेशन बनाता है जिसे वो दिल्ली पर यूज करने वाला होता है। जिम रक्तबीज दीपिका के थ्रू पठान का यूज करके चोरी करवाता है। दीपिका रक्तबीज को लेकर निकल जाती है, वहीं पठान को रशियन गवर्नमेंट पकड़ लेती है। रशियन गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है, वहीं पर उसे बचाने आता है टाइगर। टाइगर बचाने के बाद जाते जाते पठान से कहता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा हूं और मुझे तेरी जरूरत पड़ सकती है, यानी कि टाइगर को पठान की जरूरत पड़ेगी टाइगर 3 में। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि टाइगर 3 में हमें पठान देखने को मिलेगा। अब कबीर के बारे में बात करते हैं। तो कर्नल लूथरा मूवी में कहता है कि कबीर और जिम जब दोनों रॉ में थे तो बहुत अच्छे एजेंट थे और एक साथ मिलकर मिशन को कंप्लीट किया करते थे। तो बार 2 फिल्म में हमें जिम का करेक्टर वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिम और कबीर के बीच का जो कनेक्शन था वो हमें YRF यूनिवर्स में अभी तक समझाया नहीं गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि जिम की जो प्रीक्वल स्टोरी है कबीर के साथ वो हमें अभी दिखाई नहीं गई, तो ऐसा पार्ट 2 में दिखाया जा सकता है। तो अगर आप SRK के फैन और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड।